अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबका? सब ठीक ठाक खैरियत से हैं। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, घर पे सेफ होंगे। तो भाई सीन कुछ यूं है कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में मेंशन किया था कि हमने जो अपनी दूसरी बाइक थी वो ठीक करवानी थी, और अनफॉर्चुनेटली जो मेरी नॉर्मल बाइक थी वो भी ख़राब हो, मतलब वो भी पंक्चर हो गई उसी दिन, और जो दूसरी बाइक थी वो हम मैकेनिक को दे आए। तो इसका जिसका मतलब ये था कि अब मेरे पास कोई भी बाइक जो है वो चलाने के लिए नहीं है। और जो मेरी ये वाली बाइक है इसका जो फ्रंट टायर है ये बेसिकली हुआ है पंक्चर, और जो इसका फ्रंट टायर जो जेन्युइन लगा हुआ है इसके अंदर जिस ब्रांड का है या जिस टाइप का है वो बेसिकली मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और मैं इसको तकरीबन पिछले कोई एक साल से ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि आई न्यू कि जो टायर है वो ख़त्म होने के करीब है, तो मुझे इसका रिप्लेसमेंट चाहिए, लेकिन मुझे टायर जो है वो नहीं मिल रहा था। अब जो है क्योंकि टायर पंक्चर हो गया है एंड द टायर इज़ इन ए वेरी बैड कंडीशन, तो अगर मुझे इसका यही टायर नहीं मिलता तो मुझे उसकी जगह कोई ना कोई तब डलवाना ही पड़ना है। तो मेरी कल एक बंदे से बात हुई थी जो कि डिस्ट्रीब्यूटर हैं सियालकोट के अंदर इन टायर्स के, तो उसने कहा था कि आपका जो फ्रंट टायर है वो अवेलेबल है तो आप आके ले जाएं। तो मैं कल भी गया था, लेकिन कल जो है वो पता नहीं शॉप उनकी, बल्कि मेरी उनसे थर्सडे को बात हुई, जो थर्सडे को भी शॉप बंद थी, फ्राइडे को भी बंद थी, सैटरडे को भी बंद थी, संडे को भी बंद थी, मंडे को भी बंद थी। तो चार पाँच दिन ऐसे जाया हुए हैं। अब जो है मेरी उनसे दोबारा बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि आप जल्दी जल्दी आ जाएं, क्योंकि हमारा पता नहीं कि हम कब बंद कर दें दुकान। आई डोंट नो वाई, लेकिन क्योंकि अभी टाइम भी नहीं, अभी चार बजने में भी टाइम है, तो आई डोंट नो कि वाई आर दे क्लोजिंग टू अर्ली, बट स्टिल अब मुझे ज़रूरत है तो आई नीड टू गो। और उसके अलावा जो दूसरी बाइक है उसकी मुझे बैटरी ख़रीदनी है, क्योंकि उसकी जो बैटरी है वो हालांकि न्यू थी लेकिन डेड हो गई है। तो बैटरी ख़रीदनी है बाइक की, टायर ख़रीदना है, और एक प्लग भी ख़रीदना है उस बाइक का, जो हैवी बाइक है उसका। तो अभी जो है मुझे जाके सारी चीज़ें ख़रीदनी है और फिर जाना है मैकेनिक के पास। तो इस वक्त जो है मैं गोहदपुर पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पे हमारे जो हुमायज भाई हैं वो भी रहते हैं। तो हेलो टू हुमायज, लेकिन मैं मिलने नहीं तो मैं आ रहा इस वक्त, क्योंकि आई एम इन अ हरी, तो टाइम की कमी की वजह से मैं तुम्हें भी मिल नहीं सकता। बहुत सारे काम कर, लाइक बहुत सारे तो नहीं, लेकिन ये है कि डिफरेंट लोकेशंस पे काम करने वाले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो मौसम है वो भी काफ़ी अच्छा है, इट वॉज रेनिंग इन द मॉर्निंग, और अभी जो है मौसम काफ़ी अच्छा है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो टायर शॉप है वो ओपन है। तो आई जस्ट नीड टू हरी, कोई छोटी बाइक की ट्राइल बड़ा स्टेप होगा, सो आई जस्ट नीड टू हरी अप एंड आई नीड टू बाय द टायर, और फिर उसके बाद मुझे और भी चीज़ें बाई करनी है। तो यहाँ पर जब डिफरेंट टायर्स पड़े हैं, लेकिन मुझे अभी तक वो पड़ा हुआ है, ये वाला टायर है जो मुझे चाहिए। अब मुझे ये नहीं पता किसमें साइज अवेलेबल है कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली आफ्टर सो मैनी मंथ्स जो है मुझे टू मच नॉइज, मुझे जो है वो टायर मिल गया है, विच आई वॉज फाइंडिंग फ्रॉम अ ईयर। तो शोर बहुत ही शोर था, तो आई एम वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। अब जो है मुझे वो बैटरी बाय करनी है बाइक के लिए, और उसके लिए मैं आया हूँ लारियटे वाली साइड पे जी। तो जैसा कि आई टोल्ड यू कि टायर जो है वो तो हमें मिल चुका था, और आई वॉज फाइंडिंग बैटरी एंड आई नीडेड अ ड्राई बैटरी नॉट अ सिंपल वन। तो ड्राई बैटरी जो है वो मिलना इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट, क्योंकि अभी जो है वो स्टॉक अवेलेबल नहीं है। तो टाइम अभी हुआ है 4:30, विच मीन्स कि आई ओनली हैव अराउंड 1 घंटा और 30 मिनट, क्योंकि 6 बजे सब कुछ हो जाएगा बंद। अभी मुझे जाना है बाइक में टायर लगवाने, और उसके बाद लेट मी चेक इफ़ इट इज़ द सेम टायर, आई थिंक इट इज़। हाँ, तो अभी जो है वो जाना है टायर लगवाने, और फिर मैं अपनी बाइक पे जाऊंगा, 2-3 और चीज़ों को ख़रीदना है, फिर बैटरी भी बीच में ले लूँगा। तो उसके बाद फिर हम जाएंगे बाइक वाली शॉप पर, बल्कि अफसारी का टाइम भी होना है, 6:45 पे है, तो शायद जल्दी जल्दी हम लोग कर सकें, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो बाय बाय। तो ये जो है ये कंडीशन है न्यू टायर की, यू कैन सी द ग्रिप ओवर हियर, और जो पुराना टायर है उसकी ये कंडीशन है, देयर आर नो ग्रिप्स, यानी कि वो टायर बिल्कुल फारिग हो चुका है। और ये जो टायर है उसका नाम ट्रैकर है,
और जो साइज़ है वो 318 है और ये मुझे मिला है 700 का विथ ट्यूब। अगर किसी को नहीं मिलता तो सियालकोट के अंदर तो दे कैन गो ऑन टू गोहतपुर रोड और वहाँ पे जो उसके डीलर हैं पैंथर के वहाँ से आपको ये टायर मिल जाएगा। तो अभी जो है वो सीन कुछ यूँ है कि आई हैड टू चेंज द शॉप, अब मैं सॉरी शॉप में आया हूँ क्योंकि जो पहले वाली शॉप थी उसमें ये इशू था कि उस बंदे को जो डिस्क ब्रेक वाले टायर्स होते हैं वो उसको खोलने नहीं थे आते। तो आई हैड टू चेंज द शॉप क्योंकि मेरे जो फ्रंट व्हील है वो डिस्क ब्रेक वाला है तो वो उससे नहीं था। सो नाउ आई एम ऑन सम अदर शॉप एंड वी विल गेट द वर्क डन फ्रॉम हियर। तो जी टायर भी चढ़ चुका है और बारिश भी शुरू हो चुकी है हल्की हल्की और टाइम भी कम रह चुका है। सो लाइक थ्री थिंग्स आर रनिंग, अरे मक्खी लगी है मेरे मुँह पे आके। सो लाइक थ्री थिंग्स आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, आई हैव स्टिल थ्री वर्क्स टू डू विच आर इन थ्री डिफरेंट लोकेशंस और टाइम मेरे पास सिर्फ एक घंटा रह गया क्योंकि टाइम जो है ना इस वक्त मैं देख लूँ क्या हुआ है, टाइम जो है वो इस वक्त 5 बज चुके हैं और टाइम क्योंकि 5 बज चुके हैं एंड स्टिल आई हैव टू डू थ्री मोर वर्क्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस और फिर जो उनको एंड में समराइज करना है वो भी एक और डिफरेंट लोकेशन है। तो तीन काम करके फिर मुझे एक और चौथी लोकेशन पे जाना है तो मे बी वो मैं अफ्तारी के बाद जाऊँ, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। तो एक जो मसला है वो तो हल हो गया इस बाइक वाला, अब दूसरी बाइक के मसले हल कर, अब मैं ज़रा वो चीज़ें खरीद लूँ जाके फिर मैं आपसे आऊँगा। का टाइम स्टैंडिंग इन सदर बाज़ार और सिग्नल्स की तो कोई परवाह है ही नहीं और ट्रैफिक मैं बिल्कुल चौंक में खड़ा हूँ, जो फ्रांगजोला चौंक के दरमियान में खड़ा हूँ और ट्रैफिक बहुत सारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा। लिटरली आई वॉज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड और इतनी ट्रैफिक जिसका हिसाब नहीं है और इवन के सिग्नल भी मेरी साइड का ही ओपन है और आई एम द वन हु इज़ वेटिंग और जो दूसरे लोग हैं वो दे आर जस्ट क्रॉसिंग और वो रोड ब्लॉक कर रहे हैं। सो आई हैव रीच नाउ एट शम्स होंडा और शमस होंडा और ओवर यू प्रोनाउंस इट। तो अभी जो है मुझे यहाँ से बाइक के प्लग खरीदने हैं और फिर वापस जाना है सदर बाज़ार, वहाँ से कुछ खरीदना है, फिर वापस जाना है लारी अड्डे, वहाँ से बैटरी लेनी है और फिर मुझे एक और काम भी है वो भी करना है और ये सारा कुछ मुझे करना है 30 मिनट के अंडर यानी कि अंदर बहुत मेक सेंस क्योंकि टाइम जो है वो इस वक्त 5:20 हो चुके हैं और टाइम बहुत शॉर्ट है, 6 बजे सब बंद हो जाएगा। तो फिलहाल आई एम फोकसिंग ऑन माई वर्क राइट नाउ। अच्छा भाई तो सीन कुछ यूँ है कि ये हैं हमारे मुबशर भाई, ठीक है, जो कि हमारी जो गाड़ी है वो सही करेंगे। हुआ ये था कि मैं चीज़ें लेके ना तो जाने लगा था बाइक वाले बंदे के पास जो हमारे हसन भाई हैं, फिर मुझे याद है कि मेरे सारे कामों में से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो था मेरी गाड़ी को ख़राब करना कि ठीक करना। ठीक है ठीक करोगे फिर ठीक कराना और टाइम अभी जो है वो हो चुका है जनाब 5:50 यानी कि सिर्फ 10 रह गए हैं तो आप फटाफट जाना काइंडली मेरा ये करना। अच्छा जी तो बारबर शॉप से हम सारे हो चुके हैं और अब मैं जा रहा हूँ हसन भाई के पास जो कि मेरी बाइक को रिपेयर कर रहे हैं और जो रास्ता है वो कुछ ऐसा है कि जो मेरी बैक साइड है वहाँ पे जो रोड है वो वाली रोड है जो कि मैकडॉनल्ड्स से आ रही है, मैंने पहले भी मेंशन किया था। लिटरली गाइस वो जो खाई हैं वो मैं उनसे पैसे तो बहुत अर्सा पहले मैंने काम करवाया था उसकी वाइफ यार का, तो लेकिन अभी इस वक्त हम लोग को जो हैवी बाइक है उसका काम करवा रहे हैं उनसे और बहुत ही काम पर्सनैलिटी, बहुत ही कह लें कि दिल से काम करने वाले बंदे हैं और बड़ा डीपली घुस के काम करते हैं, किसी लाइक होता है ना चीज़ को समझ के काम करना वो वाली उस तरह की उनकी नेचर है कि कोई भी मसला होगा उसको बड़ा एक तो समझ के और दूसरे बंदे को भी समझा के जाना वो काम करते हैं कि अगले बंदे को भी पता हो गया यार इसमें क्या फॉल्ट था और काम जो है वो किस तरह किया जा रहा है और क्या किया जा रहा है। तो ये है जी वो फ्यूल पंप ऑन द लेफ्ट साइड, इसका नाम है अस्करी वन और अस्कर वन और उसके बाद थोड़ी सी
की जो है वो ख़राब सी रोड है, और वो जो आपके सामने झाड़ियाँ नज़र आ रही है ना, जहाँ से बंदा गुजर रहा है एक बाइक पे, उन झाड़ियों के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो उनका सर्विस सेंटर है जहाँ पे वो काम करते हैं। और मैं ज़रा रोड क्रॉस कर दूँगी वाली। तो वंस अगेन बैक एट JDH। तो ये इनकी शॉप है और ये मेरे हाथ में बैटरी है। ये हमारी जाना सामने बाइक खड़ी है नंगी पंगी सी, क्योंकि इस वक्त जो है उसको ओपन किया होगा, इसकी सेटिंग होने वाली है, मतलब सिर्फ बैटरी डलनी है। अब जो है वो अफ्तारी का टाइम होने वाला है, और अब जो भी होगा वो होगा अफ्तारी के बाद। तो अफ्तारी के बाद जब फिर हम दोबारा से विज़िट करेंगे हसन भाई को, जो कि वहाँ पे इस वक्त मौजूद नहीं थे, उनसे भी आपको मिलवाएंगे और उनसे पूछेंगे जी कि बाइक में उनको कौन कौन से मसले नज़र आए और क्या वो ठीक हो चुके हैं या नहीं हुए। तो अब अफ्तारी आप लोग भी कर लें, मैं भी कर लूँ। सो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो एज आई मेंशनड के अफ्तारी के बाद हम दोबारा चक्कर लगाएंगे। तो वी आर बैक एट हसन भाईज प्लेस, और बाइक हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी है। और जो लाइट मैं इस वक्त ले रहा हूँ वो इस वक्त दूसरी बाइक से ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है वो अंधेरा बहुत है। तो आई होप कि अब कोई किसी किस्म का मसला नहीं उसमें पैदा होता। तो बकाया ये है कि अभी थोड़ा सा चला के उसको चेक करेंगे, ताकि उसकी जो सारा कुछ जो है दोबारा से रनिंग अप कंडीशन में आए। और वी आर वेटिंग फॉर हसन भाई कि वो आ जाएँ, फिर आपको भी उनसे मिलवाते हैं और अपनी बाइक जो है वो भी यहाँ से ले कर जाते हैं। दिखाने वाला टाइम तो भी नहीं है, क्योंकि अंधेरा है, तो इस वक्त कोई दिखा तो नहीं सकता, फिर कभी दिखा दूँगा। तो ये जी हमारे हसन जमाल भाई हैं, जिन्होंने बाइक का काम किया। मैं बता रहा था इनको कि आप ना बड़ा डिटेल्ड काम करते हैं, जो मसला होता है ना उसका आप एक तो समझते भी हैं और समझाते भी हैं, क्योंकि बंदे को पता हो जी ये काम क्या होता है। तो बड़ी अच्छी, बल्कि मैं कल हैरान हूँ, जब बाइक वो प्रॉब्लम कर रही थी तो मैं वापस लेके आऊँ कि यार ये मसला, उन्होंने उसी वक्त खोली है बाइक रात के पता नहीं 10 बजे हुए थे। तो मैं कह रहा था यार ये कैसा बंदा है कि ना नहीं कि इसने सारी बाइक खोल खोल के फिर काम शुरू करने लग गया। इतनी काम पर्सनैलिटी आपकी माशाल्लाह, आई एम अ फैन ऑफ यू। बका जिसको भी काम हो, नंबर इनका मैंशनड है, तो कोई भी बाइक हो, साइकिल का काम कर लेते हैं। वैसे किया है वैसे साइकिल्स आर नॉट अलाउड। बकाया 125 है यामाहा की, या कोई हैवी बाइक है वो आप इनके पास लेके आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा और रीज़नेबल प्राइसेस में काम होगा, ऐसी बात है। तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। अब हम अपनी बाइक ले लें, बल्कि थोड़ी सी स्टार्ट करके आपको दिखाते भी। हसन भाई ज़रा स्टार्ट कर दें हमें। बाइक जो है अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही सेल्फ में स्टार्ट हो गई है, जो कि पहले नहीं हो रही थी, थैंक्स टू दिस गाय, दिस गाय कि इन्होंने बाइक को अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से रिपेयर कर दी है। अब क्योंकि इसको वॉश भी करवाना और दिखा तो मैं सकता नहीं अभी, क्योंकि अंधेरा काफ़ी है। तो मैं ज़रा चक्कर चक्कर मार रहा हूँ, तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो हर बार की तरह अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अच्छे से कॉमेंट्स करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।